मूवीज एक्सपोर्टर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्रीस्ट। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ प्रीस्ट को देखते हैं। ये सभी वैम्पायर से फाइट करने के लिए आए हैं। अब हम देखते हैं कुछ प्रीस्ट और वैम्पायर के बीच में युद्ध होता है और एक प्रीस्ट वैम्पायर के हाथों मारा जाता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि वैम्पायर ने पहले लोगों को परेशान कर रखा था, इसलिए शहर के सारे लोग ने चर्च में जाके पनाह ले ली। यहाँ कुछ लोगों की आर्मी बनाई जाती है जिन्हें हम प्रीस्ट वॉरियर के नाम से जानते हैं। फिर प्रीस्ट और वैम्पायर के बीच में युद्ध होता है जहाँ प्रीस्ट जीत जाते हैं और कुछ बचे खुचे वैम्पायर को एक बड़े से रूम में लॉक कर देते हैं। उसके बाद जब वैम्पायर ने लोगों पे हमला करना बंद कर दिया तो सारे लोग आराम से ज़िंदगी जीने लगे। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक घर को देखते हैं जिनकी ज़मीन बंजर हो गई है, इसलिए वो दुखी है। अब घर के अंदर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम लूसी होता है। लूसी सिटी से घूमकर आ रही है और इस बात पर उसके पिताजी डांटते हैं। तभी अचानक ज़मीन हिलने लगती है और घर का सामान भी हिलता है। लूसी के मॉम डैड समझ जाते हैं कि वैम्पायर अटैक करने आ रहे हैं, इस वजह से दोनों लूसी को बेसमेंट में छुपा देते हैं। लेकिन वैम्पायर उसके मॉम एंड डैड को मार देते हैं और लूसी को अपने साथ ले जाते हैं। फिर हम प्रीस्ट को देखते हैं जो हैक्स पे अटैक करने आता है। तभी हैक्स बोलता है कि लूसी मेरी गर्लफ्रेंड है और उसे वैम्पायर उठा ले गए हैं। और हैक्स प्रीस्ट से कहता है कि आप तो पहले वैम्पायर लोग से काफ़ी बार लड़ चुके हो, तो क्या आप मेरी साथ लूसी को बचाने के लिए चलोगे? लेकिन प्रीस्ट हैक्स के साथ ना जाकर वो चर्च में चला जाता है और यहाँ वो फादर और बाकी सभी को कहता है कि वैम्पायर ने हम पे वापस अटैक कर दिया है, इसलिए मैं वॉर पे जाने के लिए आपसे परमिशन लेने आया हूँ। लेकिन फादर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हमने पहले ही वैम्पायर को मार दिया है और जो बचे खुचे थे उन्हें हम जेल में बंद करके रखे हैं। और साथ ही वो उसे एक वादा दिलाते हैं, रिमेंबर गोइंग अगेंस्ट दिस चर्च मीन्स गोइंग अगेंस्ट द गॉड। फिर प्रीस्ट वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट करके लूसी की तरफ दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि उसे एक वैम्पायर धमकी दे रहा होता है कि अगर तुम यहाँ से भागी तो फिर तुम्हें मार दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम प्रीस्ट को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा होता है और कहता है कि मैं चर्च के खिलाफ जाऊँगा और लूसी को बचा दूँगा। इतने में चर्च की आर्मी आ जाती है और प्रीस्ट पे अटैक कर देते हैं, लेकिन प्रीस्ट काफ़ी बहादुरी के साथ लड़ता है और उन सबको मार देता है। अब हम प्रीस्ट को देखते हैं जो भगवान का आशीर्वाद लेता है और अपने बाइक के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ता है। अब हम प्रीस्ट और हैक्स को एक रूम में देखते हैं जहाँ हैक्स कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा युद्ध करने के लिए, और वो अपनी कला का प्रदर्शन करता है। प्रीस्ट मान जाता है और कहता है ठीक है, तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हम चर्च में फादर को देखते हैं जो कि एक प्रीस्ट की टीम को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम जाके उस प्रीस्ट को मार दो क्योंकि वो हमारे बिना अनुमति के लड़ने निकल पड़ा है। अब सीन सुबह का दिखाया जाता है जहां प्रीस्ट को ज़मीन पे पैरों के निशान मिलते हैं। उस निशान का पीछा करते करते प्रीस्ट और हैक्स एक जगह आ जाते हैं जहाँ उन्हें एक चिकन शॉप दिखता है। चिकन शॉप पे वहाँ पे एक गुलाम होता है जो कि वैम्पायर आर्मी का होता है। उनसे वो पूछते हैं कि क्या तुमने किसी एक लड़की को देखा है जो किडनैप हो गई? वो उन्हें कुछ बताता नहीं है और फिर वो कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों एक रूम में आ जाते हैं और उन्हें एक दूसरा गुलाम मिलता है जो कि थोड़ा सा पागल होता है। वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने यहाँ पे किसी लड़की को देखा है? तो वो कहता है कि मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाइए। लेकिन तभी बचे हुए गुलाम आके प्रीस्ट पर अटैक कर देते हैं, पर प्रीस्ट उन्हें मार डालता है। फिर वो सब रूम के बाहर आते हैं और वहाँ पे एक उन्हें और गुलाम मिलता है जिससे प्रीस्ट उसे पूछता है कि क्या तुम्हें मालूम है लूसी कहाँ है? वो नहीं बताता है। तभी प्रीस्ट उसे टॉर्चर करता है, फिर भी वो नहीं बताता है। अब हम देखते हैं कि सूरज ढल रहा है यानी शाम का वक्त होने वाला है, और शाम के बाद वैम्पायर एक्टिवेट हो जाते हैं और वो उन पर हमला कर सकते हैं। अब सीन रात का दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि वैम्पायर्स और प्रीस्ट के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन प्रीस्ट बहादुरी से लड़ता है और उन सभी को मार भगाता है। और उसके बाद वापस वो उस पागल वैम्पायर के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें मालूम है लूसी कहाँ है? तो वो गुलाम बताता है कि वो सब उसे वेस्ट की तरफ ले गए हैं। लेकिन इतने में ही एक वैम्पायर आता है और उस गुलाम को मार देता है। उसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं
वैम्पायर का लीडर होता है। वो एक मैजिशियन से बात कर रहा होता है और बातों ही बातों में वो उसे काट लेता है और उस मैजिशियन को भी वैम्पायर बना देता है। वहीं दूसरी तरफ हम प्रीस्ट को देखते हैं जो कि एक गुफा के अंदर एंटर करता है और हैक्स से कहता है कि तुम यहीं रुको और मैं अंदर देख के आता हूँ। गुफे के अंदर उसे एक फीमेल प्रीस्ट मिलती है। वो फीमेल प्रीस्ट उसे बताती है कि फादर ने चर्च की तरफ से ऑर्डर दिया है कि तुम्हें पकड़ के लाया जाए, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम सही हो, इसलिए मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इस समय अचानक एक जायंट मॉन्स्टर उन दोनों पे अटैक कर देता है, लेकिन दोनों बड़ी बहादुरी के साथ उस मॉन्स्टर को मार डालते हैं। और उसी समय फीमेल प्रीस्ट से कहती है कि अगर लूसी को वैम्पायर्स ने काट कर वैम्पायर बना दिया होगा तो हमें लूसी को मारना होगा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लूसी भी हमें वैम्पायर बना देगी, और ये बात तुम हैक्स से मत बताना, नहीं तो वो हमें ऐसा करने से रोकेगा। फिर फीमेल प्रीस्ट बताती है कि जब से वैम्पायर का अटैक बंद हो गया है तो हमें कोई भी काम नहीं मिलता था, इस वजह से मैं साफ़ सफाई का काम करती थी। और ये सब बातें सुनने के बाद प्रीस्ट काफ़ी इमोशनल हो जाता है और फिर दोनों ये डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें लूसी को जल्द से जल्द बचाना होगा। फिर थोड़ी देर बाद हम एक ट्रेन देखते हैं जिसमें काफ़ी सारे वैम्पायर्स आए हैं। वो सभी वैम्पायर जाके सिटी पे अटैक कर देते हैं और वहाँ के नॉर्मल पब्लिक को मारने लगते हैं। लोगों को बचाने के लिए तीन प्रीस्ट आते हैं और वो वैम्पायर के टॉप लीडर से लड़ते हैं, लेकिन वो वैम्पायर इतना शक्तिशाली होता है कि वो उन तीनों को मार देता है। अब सीन सुबह का दिखाया जाता है और यहाँ प्रीस्ट, फीमेल प्रीस्ट और हैक्स देखते हैं कि उनके जो तीनों साथी थे वो भी प्रीस्ट थे, उन्हें कैसे एक वैम्पायर ने मार दिया। उसके बाद वो सब अपने फ्रेंड्स को श्रद्धांजलि देते हैं और वहाँ वो सब एक प्रण लेते हैं कि अब वो सभी वैम्पायर्स को मार डालेंगे। उसके बाद प्रीस्ट काफ़ी छानबीन करता है और उसे मालूम पड़ता है कि वो सभी वैम्पायर ट्रेन से आए थे, तो वो लोग प्लानिंग करते हैं कि ट्रेन को बॉम्ब से उड़ा देंगे और लूसी को बचा लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम वैम्पायर के लीडर को देखते हैं जो लूसी को खाना ऑफर करता है और कहता है खाओ इसे, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। और वो उसे कहता है कि चर्च तुम्हें गलत शिक्षा देती है, वैम्पायर काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी पावरफुल होते हैं, तुम हमें ज्वाइन कर लो और अपने प्रीस्ट से भी कहो कि हमें ज्वाइन कर ले और उसके बाद हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे। वहीं सीन शिफ्ट हो जाता है और हम प्रीस्ट, फीमेल प्रीस्ट और हैक्स को देखते हैं जो कि मोटरसाइकिल से ट्रेन की तरफ निकल पड़े हैं। रास्ते में वो सब आराम करने के लिए रुकते हैं। अचानक हैक्स प्रीस्ट के सर पे गन तान देता है और कहता है कि मुझे मालूम पड़ गया है, अगर लूसी वैम्पायर बन गई होगी तो तुम दोनों मिलके उसे मार दोगे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा और मैं अभी तुम दोनों को मार देता हूं और लूसी को जाके बचा लूंगा। लेकिन प्रीस्ट उसे समझाता है, वो कहता है कि लूसी कोई और नहीं बल्कि मेरी सगी बेटी है, वो जो उसके माँ बाप थे वो उसके माँ बाप नहीं थे बल्कि मैंने उनको पालने के लिए दिया था ताकि वो वहाँ पे सेफ रहें। ये सुनते ही हैक्स शांत हो जाता है क्योंकि कोई भी बाप अपनी बेटी को नहीं मारेगा। फिर तीनों ट्रेन का पीछा करने के लिए निकल जाते हैं। वो सभी ट्रेन का पीछा कर रहे होते हैं तभी प्रीस्ट ट्रेन पे चढ़ जाता है और उसे वहाँ पे वैम्पायर का लीडर मिलता है। दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होती है और जो वैम्पायर का लीडर होता है वो प्रीस्ट को काफ़ी मारता है क्योंकि अब वैम्पायर पहले जैसे नहीं रहे, वो पहले से काफ़ी शक्तिशाली हो गए हैं और वो आसानी से प्रीस्ट को मार सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम फीमेल प्रीस्ट को देखते हैं जो कि ट्रैक पर बॉम्ब लगा रही है ताकि ट्रेन को बॉम्ब से उड़ा दिया जाए और लूसी को बचा लिया जाए। अब फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और स्टोरी में ये बताया जाता है कि जो वैम्पायर का लीडर है वो पहले प्रीस्ट का टीम मेंबर हुआ करता था, लेकिन वैम्पायर ने उसे काट कर वैम्पायर बना लिया है और वो अब वैम्पायर का लीडर बन चुका है। फिर प्रीस्ट और वैम्पायर के लीडर में लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके बाद वैम्पायर का लीडर प्रीस्ट को लात मारकर ट्रेन के अंदर फेंक देता है। ट्रेन के अंदर हैक्स और प्रीस्ट लूसी को ढूंढते हैं, तभी अचानक उन्हें लूसी दिखाई देती है, लेकिन उसे एक वैम्पायर पकड़ रखा होता है। फिर लूसी काफ़ी बहादुरी के साथ उस गुलाम वैम्पायर को मार देती है, लेकिन अचानक उनका लीडर आ जाता है और उसे भी लूसी मारने की कोशिश करती है, बट वो डिफेंड कर लेता है। और उसके बाद वैम्पायर का लीडर प्रीस्ट को चाकू की नोक पे दीवार से चिपका देता है। उसके बाद वैम्पायर का लीडर लूसी को ट्रेन के ऊपर लेके जाता है और उसे दांत से काट कर वैम्पायर बनाने वाला ही होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं
कि प्रीस्ट एक क्रॉस का साइन फेंक के मारता है और वो उसके गले में लग जाती है, यानी लूसी अब सेफ है और वो वैम्पायर नहीं बनी है। फिर हम देखते हैं कि फीमेल प्रीस्ट बाइक में बॉम्ब लगाए हुए ट्रेन के सामने फुल स्पीड में आ रही होती है। वो अपनी बाइक को ट्रेन से लड़ाती है और खुद कूद जाती है, और इसी धमाके से वैम्पायर का लीडर मारा जाता है और साथ ही साथ सारे वैम्पायर मारे जाते हैं। उसके बाद हम हैक्स को देखते हैं जो लूसी के साथ मिलकर काफ़ी खुशी होता है और उसे गले लगाता है। वहीं सीन शिफ्ट हो जाता है और हम प्रीस्ट को चर्च में देखते हैं। यहाँ चर्च के फादर प्रीस्ट से काफ़ी नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं कि तुम चर्च के खिलाफ गए थे और हमारे अनुमति के बिना लड़ने गए थे। लेकिन प्रीस्ट उनके सामने वैम्पायर की मुंडी फेंक देता है और कहता है कि ये देखिए, वैम्पायर अभी भी जिंदा है और मैं इनसे ज़रूर लड़ूंगा, चाहे आपकी अनुमति मिले या ना मिले। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम फीमेल प्रीस्ट और प्रीस्ट को देखते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि अब हम एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे जहाँ हम वैम्पायर के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन हमारी जो कंट्रोल होगी वो चर्च में नहीं बल्कि हमारे पास होगी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको इसी प्रकार की और भी फिल्म की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें।